मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिज़ब के लिए, बट अभी हमारा जो शो है वो है से शारजा, और हम ऑल द वे शारजा जा रहे हैं अपने ट्रैवल शो के लिए, जहाँ पे ऑब्वियसली फिटनेस इंक्लूडेड होगी क्योंकि फिज़ब भी है. तो मैंने कभी भी फिटनेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं इतना कुछ ख्याल नहीं रखती हूँ फिटनेस का. आई ऑलवेज ईट जंक फूड, आई एम ऑलवेज इन टू अनहेल्दी फूड, बट आई थिंक दिस इज़ माई स्मॉल ट्रायल टू बिकम अ बेटर पर्सन, बिकॉज वैन यू एक्सरसाइज और वैन यू एक्सप्लोर, वैन यू ट्रैवल, यू डिस्कवर योर सेल्फ. तो मैं भी अपने आप को डिस्कवर करने जा रही हूँ और शारजा को डिस्कवर करने जा रही हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि शारजा का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, हमने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है. और जब भी हम कभी नई कंट्री में जाते हैं तो वो एक्साइटिंग ही होता है, एंड आई लव ट्रैवलिंग. और अभी तो मेरे फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक लकीली वी आर ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, सो इट्स गोना बी अ फन ट्रैवल ट्रिप. बस मेरी एक्चुअली सबकी बकेट लिस्ट होती है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बट मेरी जो बकेट लिस्ट में जो सबसे पहला नाम लिखा है वो आइसलैंड. सो आई रियली वॉन्ट टू गो देयर एंड यू नो एक्सप्लोर दैट प्लेस. मैंने उसकी बहुत रिसर्च एंड यू नो रिसर्च करते हैं जब भी आपकी बकेट लिस्ट में कोई होता है तो जाना होता है. तो आइसलैंड इज़ माई लाइक टॉप्स माई लिस्ट, सो मे बी समडे. उसके अलावा आई एम 10 तारीख को हम जा रहे हैं. अभी आई थिंक फॉर मी आई थिंक 2018 बस एज अ विन पास हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि ये ईयर शुरू हुआ ये ईयर ख़त्म हुआ. और आई थिंक ईयर के एंड में इतनी अच्छी ट्रिप होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड से शारजा इज गोइंग टू रॉक. यस मैंने जैसे बोला कि वर्क विद ट्रैवल विद फन विद फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड आई एम जस्ट डाइंग टू गो फॉर ट्रैवल. क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको मज़ा तो आता ही है पर फिटनेस का तड़का है से शारजा में, तो आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ कि मैं कहाँ तक किस बार तक पहुँच सकती हूँ और उसको क्रॉस कर सकती हूँ कि नहीं. सो आई एम गोइंग टू चैलेंज माई सेल्फ एंड वर्क टूवर्ड्स इट. येस ऑफ कोर्स आई थिंक फैंस, हमारे सभी फैंस को पता नहीं है कांची, हेली, रोहन, अबिगेल, किसी को भी नहीं पता कि हम साथ में कहीं जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पागल हो जाएंगे क्योंकि इतना सरप्राइजिंग ऐसा, क्योंकि कांची, रोहन, मैं और हेली ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं पहले से. सो आई गेस जब हम लोगों को साथ में देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और हमारी पिक्चर्स तो होंगी क्योंकि वी आर सोशल मीडिया फ्रीक्स, तो फैंस के साथ फ्रीक्स, सो कनेक्ट तो करेंगे ही. एंड ठीक है, कनेक्ट करना ही हमारा धर्म है तो हम धर्म निभाएंगे. देखिए मैं लोगों को बाहर हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 5-6 साल से लेके जा रहा हूँ. ठीक है, आप मेरे साथ हिंदुस्तान से बाहर कितने साल पहले सबसे पहली बार आपने मैं विदेश मेरी पहली जो हिंदुस्तान के बाहर वाली ट्रिप है वो सनी के साथ थी. आपकी? मेरी भी आई थिंक पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन फिटनेस रिलेटेड जो ट्रिप थी वो पहली इन्हीं के साथ थी. तो बेसिकली मैं टेलीविजन के हमारे दोस्त हैं, हम लोग बहुत सालों से फर्स्ट ट्रिप हम कराते हैं, तो काफ़ी लोगों को फर्स्ट ट्रिप हम कराते हैं और सेकंड थर्ड भी कराते हैं. हाँ ये है कि एक साल पहले हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया फिटसअप, जो हमारी कंपनी है जहाँ पे हम फिटनेस और ट्रैवल को साथ जोड़ते हैं. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरनेशनली ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. पूरे ग्लोबली 18% ऑफ जो टूरिज्म है वो फिटनेस टूरिज्म है. अगर वर्ल्ड में 100 लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें से 18 लोग एडवेंचर और वेलनेस को चूज़ करते हैं अपने ट्रैवल के साथ. इंडिया में हम पहले प्लेयर हैं जो ये कर रहे हैं, और
हम लोग ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे ये कर चुके हैं फिट्स अप में, इस बार से शारजा कर रहे हैं। यस, इसमें फिटनेस है, इसमें बहुत सारा एडवेंचर है। इस ये टूर बाकी टूर से अलग कैसे है कि इसमें देर इज लॉट ऑफ हेरिटेज, फूड, कल्चर, आर्किटेक्चर। हम लोग इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। जनरली अभी तक हमने जितने भी ट्रिप्स किए थे उसमें इतना नहीं होता था, सिर्फ वर्कआउट होता था और ट्रैक होता था। इसमें वर्कआउट, ट्रैक, म्यूजियम, साइंस, वाटर म्यूजियम और सफारी वगैरह, पैराशूट ग्लाइडिंग वगैरह, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले की भी नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने गर्ल्स आई लाइक गर्ल्स, ओके। भी दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने कंपनी शुरू की थी फिट्सअप, तो जो फिटनेस का एक थॉट प्रोसेस वो था, थॉट था एक आम आदमी के दिमाग में, वो आता था कि लड़का डंबल मार रहा है, जिसको मैं फिटनेस क्या होता है, हाँ भाई बॉडी बन गई ना। मेरे नज़र में वो फिटनेस नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि वो दैट इज़ स्ट्रेंथ, वो फिटनेस नहीं है। दूसरी चीज़, लड़का ही क्यों आता है, लड़की क्यों नहीं आती। इसलिए फिट्स अप के आप जो भी ट्रिप्स देखेंगे, आप कुछ भी देखेंगे, वो हमेशा फीमेल डोमिनेटेड रहेंगे, क्योंकि हम उसको ज़्यादा पुश करते हैं एज अ कंपनी। जब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं ताइवान गया था ना, उससे पहले मुझे फिटनेस का इतना मतलब कुछ पता भी नहीं था, और ताइवान ट्रिप के बाद मुझे इतना क्रेज़ हो गया, और तब से लेकर अब में बहुत डिफरेंस आ गया है, और ऑल थैंक्स टू हिम, सो थैंक यू। अच्छा, ये इन्होंने पूछा था कि लड़की को क्यों करते हो, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि लड़के बोरिंग है। लड़कों में ग्लैमर नहीं है। हाँ, ग्लैमर इधर से आएगा। कपड़े पहनते हैं, जो वर्कआउट क्लोथ पहनते हैं, सबसे मिल जाता है। यस, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैकिंग है, यस वर्कआउट भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत। सो कार म्यूजियम भी है, आई डिडंट इवन नो कि कार म्यूजियम जैसी कोई चीज़ होती है, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। एंड व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर? मैं ये कहूँगी दैट फिट्सअप इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग विथ फिटनेस विथ फन, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी थिंग। जहाँ पर हम सब जाते हैं, हम फिट भी रहते हैं, हम यू नो एक्सप्लोर भी करते हैं जगह, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये थर्ड रिट्रीट है, एंड हर रिट्रीट एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एक विंटर सीजन में था, एक रेनी सीजन में था, इस बार वापस वी आर गोइंग इन नवंबर, सो हमें एक अलग अलग जगहों का वेदर भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो या थैंक्स टू सनी फॉर मेकिंग अस एक्सपीरियंस ऑल दिस। मिडिल ईस्टर्न कुजींस तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, और हम हिंदुस्तानियों को मतलब बहुत एज ए मतलब हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस, हम मतलब हम पास्ताज और वो खा के बड़े नहीं हुए हैं हम लोग, तो हमारी पैलेट के साथ मिडिल ईस्टर्न कुजीन बहुत अच्छा मैच करती है, और वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में हमारा लंच और डिनर प्लान है, तो आई थिंक वो भी एक हाईलाइट होने वाली है। अपडेट जो है सोशल मीडिया पर करते ही रहेंगे कि क्या कर रहे हैं। सही बात है, लड़के बहुत बोरिंग होते हैं, लड़के बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आपकी शादी हो रखी है इसलिए। बेस्ट पार्ट इज कि जितने लोग जा रहे हैं, जितने लोग है हु आर अ पार्ट ऑफ फिट्सअप, दे आर ऑल फैमिली, सबने एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया है। मैं सेकंड ट्रिप विद एबिगेल, आई ट्रैवल विद हर टू टाला, एंड सनम आई मिस यू इफ यू सीइंग दिस, एंड सनी के साथ ये थर्ड ट्रिप है, सो एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली, तो वो कम्फर्ट जोन रहता है, यू नो एवरीबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, मोर देन दैट टू मोटिवेट ईच अदर, लाइक सी हर वर्किंग आउट, ओ माई गॉड, हम सब बिगनर्स है, सो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है सनी को देख के, सनी की बॉडी को देख कैसे लगता है यार। आई गेस दैट ओनली हैज बीन अ मोटिवेशन फॉर रोहन। उनके जो एट पैक्स है वो पिछले 20 साल से ऐसे ही है। मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पर, इनसे पूछता रहता हूँ, हर 15 दिन में कॉल करता हूँ कि अब क्या करूँ, डाइट प्लान में क्या करूँ, और क्या प्रोटीन लूँ, क्या सप्लीमेंट्स लूँ, तो बहुत हेल्प करते हैं। आप सभी कुछ कहना चाहेंगे? से शारजा 1 2 3